हाय, अयाना लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज का ट्यूटोरियल 150 फंदों पर डाला गया है और ये 18-18 फंदों के मल्टीपल में डिज़ाइन डाला जाएगा। अगर आप भी इसे बनाने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पर। पहली सिलाई सीधी तरफ से बुनी जाएगी, इसे सीधी तरफ से हम उल्टा बुनेंगे। उल्टी सिलाई बुनते वक्त आपको ध्यान देना होता है सिलाई का मुंह आपके अंदर की तरफ रहे। और ये सैंपल हम आपको 36 फंदों पर डाल के दिखा रहे हैं। आज का डिज़ाइन बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप भी इस तरह के और ट्यूटोरियल सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर देखिए, राइट हैंड साइड पे वूलन फ्रॉक डिज़ाइन का लिस्ट आ रहा है। इस पर क्लिक करके आप इस तरह के और इजी और सिंपल फ्रॉक पैटर्न्स सीख सकते हैं। हमने अब तक बहुत सारे फ्रॉक्स आपको बना के दिखाए हैं। और इस तरह से हमारी पहली सिलाई ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं दूसरी सिलाई पर। इस सिलाई को हम उल्टी तरफ से प्लेन उल्टा बुनेंगे। ध्यान दीजिए, अगर आप हमारे चैनल के अपडेट्स जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं हम फ्यूचर में कौन से डिज़ाइन अपलोड करेंगे तो हमारा फेसबुक पेज अयाना लाइफस्टाइल को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि कोई भी डिज़ाइन YouTube पे आने से पहले हम हमारे Facebook पेज पे अपलोड करते हैं। और अगर आप हमसे कोई क्वायरी या कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं या निटिंग के टिप्स और ट्रिक्स हमसे सीखना चाहते हैं तो हमसे WhatsApp पर भी आप जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। जैसे ही आप WhatsApp के लिंक पे क्लिक करेंगे आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। और इस तरह से हमारी दूसरी सिलाई भी ओवर होती है। इसके बाद तीसरी सिलाई को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसमें हमें डिज़ाइन डालना है। तो अब हम आते हैं तीसरी सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 6 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे। इस तरह से 2 का 1 करने के बाद वापस से 2 का 1 करेंगे, फिर वापस से 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हमने 6 फंदों को 2 का 1 कर दिया। अब ध्यान से सुनिए, जो अगले 6 फंदे हैं उन्हें हमें 12 करना होगा। इसके लिए ऊन आगे लाए, फिर एक फंदा बुना, फिर ऊन आगे लाए दूसरा फंदा बुना, फिर ऊन आगे लाए तीसरा फंदा बुना, फिर ऊन आगे लाएंगे चौथा फंदा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके 5वां फंदा बुनेंगे और फिर ऊन आगे लाके 6ठा फंदा बुनेंगे। इस तरह से हमने 6 फंदों के 12 फंदे कर दिए। ऐसे समझिए, 3 घटाए थे यहाँ पर, अब 3 यहाँ पर वापस घटाएंगे। तो वापस 2 फंदों का 1 फंदा किया, फिर वापस 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे और इसके बाद वापस 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे। इस तरह से हमने 6 फंदों के 3 फंदे कर दिए। तो यहाँ पे हमारी एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम वापस रिपीट करेंगे इस डिज़ाइन को। इसके लिए हम वापस 6 फंदों के 3 फंदे करेंगे, वापस 2 फंदों का 1 फंदा किया और 2 फंदों का 1 फंदा किया। इस तरह से हमारे 6 फंदों के 3 फंदे रह गए। अब जो अगले 6 फंदे हैं उन्हें हम बढ़ाएंगे। तो ऊन आगे लाके 1 फंदा बुना, फिर ऊन आगे लाके 2रा फंदा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके 3रा और ऊन आगे लाके 4था फंदा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके 5वां फंदा और आखिरी में ऊन आगे लाके 6 फंदा बुन देंगे। इस तरह से हमने 6 फंदों के 12 फंदे कर दिए। अब जो आखिरी के 6 फंदे हैं इन्हें हम 3 करेंगे, यानी कि 2 का 1 करते जाएंगे। और इस तरह से हमारी तीसरी सिलाई भी कंप्लीट होती है। चौथी सिलाई आपको दूसरी सिलाई के जैसे बनानी होगी। 4 सिलाई में जाके हमारा आज का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। 4 सिलाई के कंप्लीट होने के बाद का लुक आप देख सकते हो, बनने के बाद इस तरह से आएगा। इसके बाद इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपके पूरे फ्रॉक को कंप्लीट करना होगा। पूरी फ्रॉक के कंप्लीट होने के बाद का लुक बनने के बाद इस तरह से आएगा। और यहीं पे हमारा आज का ट्यूटोरियल भी ओवर होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड बाय।